हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस चलते हैं, आज आपको सैर कराते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ के टॉय ट्रेन की। और इस ट्रेन का जो खूबसूरत रोमांचकारी सफ़र है वो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक के बीच है। और अगर हम दार्जिलिंग लोकल में घूमने की बात करें तो दार्जिलिंग स्टेशन से लेके घूम स्टेशन तक हमें घूम के आना है और वापसी दार्जिलिंग स्टेशन पे आना है। 2 घंटे का सफ़र है ये पूरा अद्भुत और एकदम रोमांचकारी सफ़र 2 घंटे में। और बात करें अगर हम टिकट की, तो ये 1500 की जो टिकट है वो स्टीम इंजन की है और जो डीजल इंजन है उसकी 1200 के अराउंड की टिकट है। टिकट लेने के लिए या तो आप टिकट काउंटर से ले सकते हैं या IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक कर सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट या ऐप से बुक करेंगे टू एंड फ्रॉम में हम सेम स्टेशन में डाल सकते हैं, इसलिए कोड बना हुआ है दार्जिलिंग के लिए। आप डालोगे DJ और आपको वहीं पे वापस आना है तो आप वापसी के लिए डालोगे DJRZ, तो वो आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी मौका मिले तो दार्जिलिंग घूमने ज़रूर आए, टॉय ट्रेन को एंजॉय करें। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करें ऑनलाइन। और टॉय ट्रेन की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे वीडियो में देखिए कहाँ तक जाती है ट्रेन, कैसे कैसे अमेजिंग व्यूज़ आते हैं बीच में। यहाँ से मेन मार्केट से, मेन रोड से ट्रेन जा रही है क्रॉस होके, तो ट्रैफिक अपने आप रुक जाता है बिकॉज़ लोकल लाइट को पता होता है कि ट्रेन का टाइम हो गया। अब यहाँ से क्रॉस होके फिर से राइट साइड को आ गई है। बतासिया टॉप पे भी रुकी है ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए आई है और ठीक आधे घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे 10 मिनट व्यू के लिए रुकती है। मेरा अभी जो हाफ एन आवर का एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं बता नहीं सकता कि कितना अमेजिंग है। मतलब 1500 रुपये की तो लगती है टिकट, लेकिन इट इज़ वर्थ। ऐसा लगता है कि मतलब ये एक्सपीरियंस ना, आपको दार्जिलिंग आते हो और ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया, इतना अमेजिंग है। आप व्यू देखिए आप। ओहो, क्या अमेजिंग व्यू है। यहाँ पे देखिए अपना ब्यूटीफुल तिरंगा, और ये एक वॉर मेमोरियल है जिसमें आप देख सकते हैं शहीदों के नाम, कौन से ऑपरेशन में हुए हैं, कौन सी उनकी रेजिमेंट थी, नेम एंड डेकोरेशन, सर्विस नंबर, सब कुछ लिखा होता है यहाँ पे। और यहाँ से देखिए आप व्यू, कितना अमेजिंग, कितना शानदार व्यू है। तो जब तक आप अपना ट्रिप प्लान करते हैं आगे, तब तक डिजिटली विजिट करते रहिए हमारे साथ। तो व्यू एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि जो आपको मतलब अंदर से ना, मैंने देखा है जैसे हम चल रहे थे और लोग जो ट्रेन की वीडियो कैप्चर कर रहे थे, चाहे वो पैदल चल रहे हो चाहे बाइक पे, उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना, उसका कोई प्राइस नहीं है। तो जो ट्रेन की टिकट है उसके मुकाबले जो आपको इन्जॉयमेंट मिलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अभी हम पहुँच चुके हैं घूम रेलवे स्टेशन जो कि लास्ट है, और ये इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। इंजन जा रहा है अभी मरम्मत के लिए और उसके बाद वो फिर से 20 से 25 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकती है। और घूम म्यूज़ियम है यहाँ पे रेलवे का, उसकी टिकट जो होती है 25 रुपये की होती है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आप टिकट्स लेते हैं तो वो टिकट में इंक्लूड होता है ट्रेन की। सो यहाँ पर है म्यूज़ियम, तो पुराने जो है मालगाड़ी के डिब्बे वो भी यहाँ पे हैं जो यूज़ में नहीं होते। और ये जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। इंजन को डिसकनेक्ट करके वो आगे की तरफ ले जा रहे हैं, अब लेके यही ट्रेन वापसी जाएगी तो इसी पे वो कनेक्ट होगा। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट
के बारे में लिखा है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, उसका और भी जो डिटेल्स है कि क्या स्पेशल है इस हिमालयन रेलवेज का, उसके बारे में सारी डिटेल्स। फोटोग्राफ्स जिसमें कि हिस्ट्री शो हो रही है स्टार्टिंग से एंड तक। प्लीज डोंट टच। ये जब पहले ट्रेन के आगे अंधेरा होता था, इसको लेके एक आदमी लाइट के लिए दौड़ता था ट्रेन के आगे आगे। ब्रिटिशर्स के टाइम का रेलवे ये, और 1879 से बनना शुरू हुआ था, 1881 तक ये कंप्लीट हुआ था, न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक। यहाँ पे जो जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने रूल किया है उनके नाम, दो गोष्ट